హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ స్కాలర్స్టిక్స్. ఫ్రెండ్స్, హారి యూట్యూబ్ ఛానల్ మే ఆ స్వాగత్ ఔర్ అభినందన్ హై. ఫ్రెండ్స్, ఆజ్ హమ్ ఆప్కే లియే టెట్ ప్రాబ్లమ్ సిరీస్ కే నెక్స్ట్ కడీ లాయే హై. ఉమ్మీద్ కర్తే హై లాస్ట్ వీడియో ఆప్ జరూర్ దేఖే హోంగే, పసంద్ ఆయా హోగా, ఆప్నే లైక్ భీ కియా హోగా. आज हम उसी के आगे प्रॉब्लम बढ़ाने वाले हैं. अभी तक हमने आपको इस सीरीज का 35 क्वेश्चन दिया, आज उसी के आगे हम इस सीरीज को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, कामयाबी की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फ्रेंड, देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आज आपके लिए लाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन. हम प्रॉब्लम नंबर 36 की बात करने जा रहे हैं, जो कि सांख्यिकी से रिलेटेड है. सांख्यिकी में एक टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप. क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है. जैसे आपके सामने हम ऑप्शन भी रखते हैं, माध्यिका, बहुलक और परास. इस तरह आपके सामने हमने चार ऑप्शन रख दिया है, माध्य, माध्यिका और बहुलक तथा परास. तो दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है. सो हमने सांख्यिकी पढ़ा होगा, जिसमें माध्य निकालना सीखा होगा, माध्यिका निकालना सीखा होगा, बहुलक निकालना सीखा होगा और परास भी निकालना सीखा होगा. बट माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सबको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मित्रों रखा गया है, लेकिन परास ऐसा टॉपिक है जो मिनिमम और मैक्सिमम, अगर आपके पास कोई आंकड़े, कई आंकड़े दिए गए हैं, डेटास दिए गए हैं, तो उनमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, उनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो परास होता है. सो परास को जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं रखा जाता है. तो आपका विकल्प जो है परास, वो आपका क्या है, करेक्ट है. अगर एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछा जाए आपसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है, तो फ्रेंड आपका परास ऐसा है जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है. आइए प्रॉब्लम नंबर हम 37 की बात करते हैं. फ्रेंड, बहुत ही सिंपल टॉपिक था. आइए एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम और आपके लिए रखते हैं. गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? गणित की प्रकृति होती है, तो मित्रों गणित की प्रकृति कैसी होती है? जैसा कि हम लोग समझते हैं, गणित बहुत ही टफ होती है, बट ऐसा कहना उचित नहीं होता है. गणित की प्रकृति उतनी टफ नहीं होती है. अगर हम गणित के लॉजिक से चलेंगे, फार्मूले से चलेंगे, तो गणित की जो प्रकृति है कभी भी टफ नहीं लगती. ओके, तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है फ्रेंड? लॉजिकल होती है, तार्किक होती है. गणित की जो प्रकृति होती है फ्रेंड, वो कैसी होती है? तार्किक होती है. ओके फ्रेंड, ये टफ नहीं होती है, बहुत ही सामान्य होती है. बस हम आप इसके लॉजिक को नहीं समझते हैं, बेस को नहीं समझते, इसलिए हम आपको ये बहुत टफ लगती है, जबकि गणित जो है बहुत ही सिंपल होती है. आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, आपको बस इसका बेस पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं. प्रॉब्लम नंबर 38 की बात करते हैं हम. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है बीसी पर लंब है.
एडी जो है बीसी पर लंब है, तो हमें एडी और बीसी में रिलेशन बताना है कि क्या होता है, हमें एडी और बीसी में संबंध बताना है, मीन्स एडी व बीसी, सॉरी एडी व एबी में, एडी व एबी में संबंध क्या होगा, संबंध क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है लंब है, परपेंडिकुलर है बीसी के, तो हमें एडी व एबी में संबंध बताना है। त्रिभुज आपका क्या है फ्रेंड, समबाहु है, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, एबीसी हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया और इस पर हमने क्या किया, एडी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, लंब डाल दिया, एडी बीसी पर लंब हो गई। अब यहां हम जानते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की विशेषता सबसे बड़ी होती है कि इसकी प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं बराबर, मींस एबी बराबर बीसी बराबर सीए होती है। ओके फ्रेंड, अब हम समकोण त्रिभुज एडीबी ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज एडीबी में एडीबी में समकोण त्रिभुज एडीबी ले लेते हैं और एडीबी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से एबी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा फ्रेंड, एडी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीडी स्क्वायर। ओके फ्रेंड, और एडी स्क्वायर प्लस बीडी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, जब भी समबाहु त्रिभुज में एडी बीसी पर लंब होगा, मींस समबाहु त्रिभुज में अगर कोई लंब डाल दिया जाता है उसके सम्मुख भुजा पर, तो वो उस भुजा को, लंब जो है भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मींस बीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, या बीडी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बीसी अपॉन टू। तो बीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, बीसी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल एडी स्क्वायर प्लस बीसी। जैसा कि हम जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एबी बीसी और सीए तीनों ही इक्वल है, तो हम बीसी के जगह पे क्या रख सकते हैं फ्रेंड, एबी रख सकते हैं, होल अपॉन टू हो जाएगा और ये एबी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड, सॉल्व कर लेते हैं इस तरह, अपने पास आ जाएगा एबी स्क्वायर इक्वल एडी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन फोर। पक्षांतर कर लेते हैं क्योंकि हमें संबंध ए बी और ए डी में दिखाना था, इसलिए और भुजाओं को हमने हटा दिया, ए बी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ओके फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये फोर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, होल अपॉन अपॉन फोर हो जाएगा इक्वल ए डी स्क्वायर। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं थ्री ए बी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल ए डी स्क्वायर, इंप्लाइज करके इसको फ्रेंड लिख सकते हैं थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल फोर ए डी स्क्वायर। इस तरह हम क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर, ए बी और ए डी में क्या संबंध होता है, थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, फोर ए डी स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये रहता है फ्रेंड तो इस पे आप टिक कर देंगे। ओके फ्रेंड, आइए प्रॉब्लम नंबर 39 की हम बात करते हैं। हमारे पास एक वर्ग है, यदि वर्ग का परिमाप, यदि वर्ग का परिमाप 2a प्लस 8, कोई वर्ग है जिसका परिमाप जो है 2a प्लस 8 इकाई है फ्रेंड, इकाई, तब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ओके फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक वर्ग है जिसका परिमाप दिया गया है 2a प्लस 8 इकाई, तब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का फ्रेंड जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। ओके फ्रेंड, परिमाप
सॉरी वर्ग का जो परिमाप होता है 4 × 2 होता है और परिमाप हमारे पास है 2a+8 इक्वल, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही फ्रेंड, यहां जो आपको परिमाप दिया गया है वो 4a+8 है, एक वर्ग है इसका परिमाप 4a+8 है, तब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर 4 × 2 होता है और परिमाप आपको दिया गया 4a+8 इक्वल ये हो जाएगा 4 × 2। ओके फ्रेंड, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी फ्रेंड, भुजा बराबर हो जाएगी 4a+8 होल अपॉन 4, ऊपर से हम देख रहे हैं 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा a+2, 4 × a+2 होल अपॉन 4, a+2 अपॉन 4 लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपको भुजा जो फाइंड होती है प्राप्त होती है फ्रेंड a+2 इकाई, आपको भुजा वर्ग की जो भुजा थी वो प्राप्त हो गई। ओके फ्रेंड, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत बार आप पढ़े होंगे, आपके लाइफ में कई बार आया होगा क्षेत्रफल निकालना वर्ग का, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 होता है। ओके फ्रेंड, या भुजा गुणे भुजा होता है, क्लियर। तो भुजा आपके पास कितनी है फ्रेंड, a+2 है इंटू a+2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये a² + 4a+4 वर्ग इकाई। इस तरह जो आपके पास वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड a² + 4a+4, यह हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है a+2 × a+2 a+2² हो जाएगा, इस तरह a² + 2ab+b² के टाइप का था इसलिए हमने यहाँ क्या किया फ्रेंड डायरेक्ट फार्मूला लगा। आइए एक पैटर्न वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तुरंत ही क्वेश्चन ये आपको आ जाएगा विदाउट एनी प्रेशर ऑन योर माइंड, आपको अपने माइंड पर प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा, और कोई भी एग्जाम होता है उसमें हमें थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर हम 40 की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 40 की बात करते हैं, अगर हम 1 × 1 करते हैं तो 1 आता है। ओके फ्रेंड, 11 × 11 करते हैं तो 121 आता है। ओके फ्रेंड, 111 × 111 अगर करते हैं, 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है फ्रेंड 123 आता है। ओके फ्रेंड, ये आता है। अब हमें बताना है, ऐसे और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं, अब हमें बताना है अगर हम 11111 को अगर 11111 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये है क्वेश्चन आपको, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगाना है तुरंत आप इसका आंसर पा जाएंगे, बहुत ही सिंपल फ्रेंड। हम क्या देख रहे हैं 1 × 1 करते हैं 1 आता है, 11 × 11 करते हैं तो 121 आता है। ओके, और तीन बार अगर मतलब 111 का 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। इसके थोड़ा सा पैटर्न आप ध्यान देंगे, जैसे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 211 आ गया, 3 बार मल्टीप्लाई किया 321 है, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा फ्रेंड 4321 इस तरह आ जाएगा, तो 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 बार में 4 से शुरू हो रहा है तो 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5
फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, इसी के आगे क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी फिर इतनी, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार हम क्या करेंगे 5 टाइम्स तक असेंडिंग ऑर्डर में ले चलेंगे, फिर उसके बाद एक बार क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके फ्रेंड, ये था आज का टेट प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं जितने भी टॉपिक फ्रेंड आपको बताए गए बहुत ही समझ में आया होगा, और भी आगे टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। और लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहिए, डे बाय डे आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया जाएगा। जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स से आप पास हुईए, यही हमारी आपके लिए विश है। क्योंकि एग्जाम तो हम आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, अक्सर हम आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबरों से वही पास होता है जो मन लगा के पढ़ता है, जो मन लगा के पढ़ाई करता है, अपना एक टारगेट फिक्स किए रहता है। क्योंकि हम जब कोई टारगेट फिक्स किए रहेंगे कि हमें ये करना है तो हम उसको करके ही मानेंगे, और बिना टारगेट के बिना आम का फ्रेंड, बिना टारगेट के बिना एम का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो एक एम बनाना होता है, उस एम को पाने के लिए उसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे तभी उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ये था आज का टेट सीरीज, टेट प्रॉब्लम का सीरीज फ्रेंड। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्कॉलर टेक जूनियर। ओके फ्रेंड्स, बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फ्रेंड।